हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज फिर से आया हूँ लेकर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है विरुद्ध आहार, मतलब गलत आहार, मतलब गलत खान पान। विरुद्ध आहार मतलब क्या फ्रेंड्स? कि हम अगर कोई दो आहार मिलाकर खा रहे हैं, या फिर हम कोई चीज़ खा रहे हैं उसके पास कोई दूसरी चीज़ खा रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आज आपको कुछ विरुद्ध आहार के बारे में बताऊंगा जो आयुर्वेद में उसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स। तो वो आप सब आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले विरुद्ध आहार के बारे में बात करूँगा, तो बहुत से लोग जो है दूध और उसमें जो है मौस, केला जिसे हम कहते हैं, उसको डालकर खाते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा विरुद्ध आहार है, इसे आप बिल्कुल अवॉइड करें। दूध और केला अगर आप मिक्स करके खाएंगे तो ये आपके लिए घातक होगा और ये विष के जैसा साबित होगा। वैसा ही फॉर्म में जो है, आप जूस सेंटर पे भी अगर देखे होंगे कभी, तो फ्रूट सलाड्स मिलते हैं। मतलब दूध में जो है अलग अलग प्रकार के फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रूट्स मिक्स किए जाते हैं। तो ये भी जो है कॉम्बिनेशन, एक बहुत ही ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है, और बहुत से बच्चे और बहुत से फैमिली जो है फ्रूट सलाड पीने के लिए जो है बहुत तड़पते हैं। तो उन लोगों ने ये जानना चाहिए फ्रेंड्स कि फ्रूट सलाड जो है सेहत के लिए हानिकारक है, उससे जो है पेट ख़राब होगा, पेट तैयार नहीं होगा, और इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, बार बार लूज मोशन होंगे, और जो है स्टमक अपसेट होगा फ्रेंड्स। तो ये जो है विरुद्ध आहार है, मतलब गलत आहार है। और एक मैं आपको नॉन वेजिटेरियन आहार के बारे में एक बात बताऊंगा कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है या पता नहीं है कि जब मच्छी हम खाते हैं, फिश, कोई व्यक्ति अगर मच्छी या फिश खाते हैं उसके बाद वो इमिडिएटली दूध ना पिए, ये भी एक प्रकार का विरुद्ध आहार है फ्रेंड्स। इससे भी जो है आपको तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे प्रकार के जो विरुद्ध आहार हैं वो आप अवॉइड करें। वैसे इस फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँगा कि बहुत से लोग जो हैं उनको एक प्रथा है, उनको एक गलत आदत होती है। ये फ्रेंड्स क्या करते हैं, पहले जो है खाना खा लेते हैं और बाद में जो है फ्रेश होने या पानी नहाने जाते हैं। तो ये भी जो है गलत संकल्पना है फ्रेंड्स। पहले आपने जो है पानी नहा लेना है कभी भी मॉर्निंग को या नाइट को, फिर बाद में जो है आपने लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी है आपका वो कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। और दोस्तों, विरुद्ध आहार के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा, तो बहुत सारे विरुद्ध आहार आजकल हमारे डे टू डे लाइफ में हम वापरते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहने की, बहुत से लोग जो है पहले जो है फ्रेंड्स गरम पीते हैं, गरम चाय या गरम पानी या गरम कॉफ़ी, उसके बाद जो है फ्रेंड्स बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो ये भी जो है बहुत गलत है, ये भी विरुद्ध आहार है फ्रेंड्स। इससे भी जो है आपको तकलीफ हो सकती है, इससे भी आपको जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी आप जो है ठंडा पीने के बाद गर्म पी सकते हैं, बट गर्म पीने के बाद ठंडा ना पिए। इसी के साथ मैं आपको फ्रेंड्स और तीन चार बातें बताऊँगा कि आप जो है कभी भी जो है फ्रेंड्स, जिन पेशेंट को अस्थमा है उन्होंने ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि दही है, लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स है। ऐसे पेशेंट्स अगर ऐसी चीज़ें खाएंगे फ्रेंड्स तो उनका जो है अस्थमा जो है एग्रीवेट होगा, पड़ेगा। जिन पेशेंट को बीपी या शुगर है उन्होंने भी फ्रेंड्स जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट या कोलेस्ट्रॉल, चर्बी कम, कैलरीज कम, ऐसा डाइट उन्होंने खाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने जो है पोटैटोस या आलू अवॉइड करना चाहिए, बफेलो मिल्क अवॉइड करना चाहिए भैंस का दूध, और उन्होंने जो है फ्रेंड्स खाने में चर्बी अवॉइड करना चाहिए। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें उन्होंने जो है करना। जिन भी पेशेंट को यार उनको वात की तकलीफ है, मतलब संधिवात है, आमवात है, या फिर उनके संधि बार बार दुखते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स ने फ्रेंड ऐसा आहार या ऐसा डाइट अवॉइड करना चाहिए जिससे वात पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बैंगन जो है ये वात है, वात बढ़ता है इससे, बेसन इससे बात बढ़ता है फ्रेंड्स। तो ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करें फ्रेंड्स, और जो सही डाइट है उसको फॉलो करें,
और अच्छे रहे। थैंक यू वेरी मच।